नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करें, सही विधि क्या है और ये स्किन के रोगों में किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे आप अनुलोम विलोम भी कहते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन का एक विकृत रूप है, उसका एक इजी वे है। लेकिन यदि आप पूरी तरह से सही तरीके से जो ऋषियों ने प्राणायाम की विधि बताई है उसी विधि से यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे आपको अधिक लाभ होगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में सबसे पहले हम कोई भी जब प्राणायाम करते हैं जिसमें हाथों का प्रयोग होता है, तो आप प्राणायाम मुद्रा बनाएं इस प्रकार से। फर्स्ट और सेकंड फिंगर को अंगूठे के बेस में टच करें अपने राइट हैंड के। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे राइट हैंड के अंगूठे से। लेफ्ट नोस्ट्रल को धीरे धीरे श्वास लेंगे। श्वास को अंदर ही रोकें, जालंधर बंद लगाएं, जालंधर बंद, गर्दन को नीचे झुकाएं। मूल बंद लगाएं, एनस भाग को ऊपर की ओर खींच लीजिए अपने। फिर राइट से श्वास छोड़ें, लेफ्ट नोस्ट्रल को अपने रिंग फिंगर से बंद करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। फिर राइट से श्वास लें, श्वास को अंदर ही रोकें, बंद लगाएं, लेफ्ट से बाहर छोड़ें धीरे धीरे। तो आपने देखा, लेफ्ट से श्वास लिया हमने, श्वास को अंदर रोका, बंद लगाएं, जालंधर बंद और मूल बंद। फिर राइट से श्वास को बाहर छोड़ा बंद हटाते हुए। फिर राइट से लिया, फिर से बंद लगाएं, श्वास को रोका, कुंभक किया अंदर, अभ्यांतर कुंभक, फिर बंद हटाएं, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ दें। ये एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम का पूरा होता है। ऐसे कम से कम 7 चक्र आप प्रतिदिन करें। अब इस प्राणायाम को करने में आपको सावधानियां क्या क्या रखनी है। नंबर 1 सावधानी है कि आप जालंधर बंद लगाएंगे तो अधिक नीचे गर्दन को नहीं झुकाएंगे, केवल इस प्रकार से, ऐसे नहीं करेंगे। तो जालंधर बंद ठीक प्रकार से लगाएं। अगर आप ज्यादा गर्दन को झुकाते हैं तो कई बार सर्वाइकल पेन आपको होने के चांस बढ़ जाते हैं और जिनको है उनका पेन बढ़ जाएगा। तो चिन्ह को कंठकूप पे टच करना है, मांसपेशियों को सिकोड़ लेना है गले की, तो ये जालंधर बंद लग जाता है। दूसरा बंद मूल बंद लगाएंगे। मूल बंद एनस भाग, जो हमारी मूत्र इंद्रिया है, गुदा द्वार है, उसको ऊपर की ओर खींच लेना है, पूरा खींच के रखना है ऊपर की ओर। तो ये 2 बंद हम लगाएंगे जब हम कुंभक करते हैं। कुंभक कहते हैं श्वास को रोकना, जब हम श्वास को अंदर रोकते हैं तो इसे अभ्यांतर कुंभक कहते हैं। तो अभ्यांतर कुंभक हम करते हुए बंद लगाएंगे, फिर श्वास को जब छोड़ेंगे तो बंद हटाएंगे पहले, तब श्वास छोड़ेंगे। दूसरा सावधानी, जो नए अभ्यासी हैं, प्रारंभ में इसे आप जितना समय श्वास को लेने में लगाते हैं उतना ही समय श्वास को रोकें और उतने ही समय में श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तो श्वास लेने का समय, श्वास रोकने का समय और श्वास छोड़ने का समय, ये लगभग समान रहना चाहिए आपका। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करने से आपके 72,72,10,210 नाड़ियां, जो उपनिषदों में जिसका वर्णन आया है, ये सभी नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं। इनके अंदर जितनी भी गंदगी, जो टॉक्सिसिटी आ जाती है, वो ये नाड़ियां बाहर निकाल देती हैं। तो
तो नाड़ी शोधन आपकी नाड़ियों को एक्टिवेट करता है, उनमें शक्ति का संचार भर देता है। तो फिर नाड़ियाँ अपने आप को क्लीन करती हैं, और जब नाड़ी आपकी परिशुद्ध होंगी तो आपके शरीर में ऊर्जा भरपूर मात्रा में संचार करेगी, पूरी तरह से आपकी ऊर्जा काम करेगी, और उस ऊर्जा से आप अपने जीवन को गति देंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करने से जितनी भी त्वचागत प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, स्किन में सोराइसिस, एक्जिमा, ऐसे जो असाध्य रोग हैं उनमें भी नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करने से बहुत अधिक लाभ होता है। आंखों की प्रॉब्लम, आंखों की वीकनेस, जो नाड़ियां वीक हो जाती हैं, कम दिखाई देने लगता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन में झुर्रियां आ जाती हैं, आप पूरा दिन थके थके महसूस करते हैं, थकान रहती है, तो आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। तो प्रारंभ में आप 7 चक्र इसके जरूर करें, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं और इसका लाभ आपको मिलता रहे। जब आप इसे सुबह खाली पेट बैठकर एक फ्रेश एयर में आप इसका अभ्यास करेंगे, तो ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम इसका विकृत रूप है, जब आप बिना बंद के करते हैं तो अधूरा हो जाता है वो, तो अधूरा यदि आप प्राणायाम करते हैं तो अधूरा ही आपको लाभ मिलता है। इसका पूरा लाभ यदि आपको चाहिए तो नाड़ी शोधन बंद के साथ करें, कुंभक के साथ करें, और यही इसका ओरिजिनल फॉर्म है नाड़ी शोधन का। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि सही जानकारी अधिक लोगों तक पहुँचे। त्वचा पर, स्किन के रोगों पर हम एक अलग से स्पेशल आपको वीडियो भी देंगे, जिसमें हम आयुर्वेद में बताएंगे कि कैसे आप किन किन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं स्किन की प्रॉब्लम में। तो आप हमारे फेसबुक पेज योग गुरु राजेश को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आपको योग आयुर्वेद से संबंधित वीडियो समय पर मिलती रहे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।